एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 मीटर स्क्वायर हो तो भुजा क्या होगा। यहां पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा निकालना है, सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3 मीटर स्क्वायर, तो निकालना है भुजा। तो यहां पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 × a² / 4 बराबर 36√3, ये दिया हुआ है। a का मतलब होता है साइड या फिर भुजा, तो अब यहां पे लिखेंगे √3 × a² बराबर 36√3। यहां पे 4 भागा में है इसलिए यहां पे हो जाएगा गुना में। अब इसे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, यहां पे है √3 × a² बराबर 36√3 × 4। अब यहाँ पे √3 और √3 दोनों कट जाएगा, क्यों क्यों कटेगा उसे भी देख लेते हैं। √3 × a² बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 36√3 × 4, तो यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3 दोनों कट गया। अब होगा a² बराबर 36 × 4, तो a बराबर, ये स्क्वायर है इसलिए हमेशा इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये होगा 36 × 4। अब a बराबर, अगर 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 होगा, तो a बराबर 4 × 8, तो वर्ग का भुजा होगा 8। इस प्रकार से आप इजीली वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं यदि क्षेत्रफल दिया हो तो।